हाय फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आप घर में बैठे बैठे आप अपनी आईब्रो कैसे बना सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, आप कम से कम एक गिट और दो अंगुल लेना है आपको। मेरे को तो मालूम है कि कितना लेना है मुझे, और आप बिल्कुल धागे को नाप कर ही लेना। और मुझे तो मालूम है कि कितना लगेगा, और आप लोग इसको पहले नाप लीजिएगा धागे को, और इसको ऐसे करके गांठ लगाना है। ये देखिए, हमने गांठ लगा लिया है। फिर इसको आपको दोनों हाथों की चार चार उंगलियों में लेकर और दाएं हाथ से आपको चार बार फोल्ड करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद नीचे डाल के और ऐसे ऐसे घुमाना है आपको। ये कम से कम 3 या 4 दिन आपको ऐसे करके आपको धागा चलाना है, फिर आपको अपनी आईब्रो बनाना आ जाएगा। मुझे तो आता है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता दूंगी करके भी। ये देखिए, हमने ऐसे चला लिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर लेना है। ये हम पाउडर ले रहे हैं हाथ पे, और आंखों के ऊपर लगा लेना है। इससे क्या होता है कि आपका जैसे पसीना आ रहा होगा, वो ड्राई स्किन करने के लिए पाउडर लगाते हैं। आप कॉटन से भी लगा सकते हो, मैं हल्का सा हाथ से लगा ले रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फोर हेड में कर लूंगी, फिर मैं चार बार फोल्ड कर रही हूँ, 1 2 3 4। फिर इसको ऐसे से कर लिया आपको, पहले ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको माथे में रखना है ये वाला, और बाएं हाथ से ऐसे करके चलाना है। ये देखिए, और फिर ये वाला दाएं हाथ से चलाना है, ये वाला ऐसे से कर। और उसके बाद जैसे बाल नहीं आते हैं तो इसको ऊपर को कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए। और जैसे आपको नहीं आता तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मिरर से भी आप आगे को रखने के बाद उससे भी आपको देख देख के निकालोगे। फिर उसके बाद मैं अभी नीचे से कर रही हूँ। आपको क्या करना है, बाएं हाथ की इस आंख को थोड़ा सा टाइट ऊपर रख के और दाएं हाथ को दबा के रखना है, और बाएं हाथ से खींच लेना है। ये देखिए, और फिर उसके बाद दाएं आंख के ऐसे बाएं हाथ को रोक के और दाएं हाथ को चलाना है। और उसके बाद बीच वाला हिस्सा निकाल देना है आपको, और शीशे में देख देख के ही आपको निकालना है। ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए।